Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So, आज मैं करने वाली हूँ 24-hour Barbie food challenge. Yes, मैंने 3 महीने से कोई वीडियो नहीं डाला था और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है गाइज. सो किसने किसने बारबी मूवी जाकर अब तक देख लिया है? और सच बताओ तो मैंने अभी तक नहीं देखा. इतना सारा वीडियोज, रील्स, सब सिर्फ बारबी, सब जगह सिर्फ बारबी नजर आ रहा है. तो मैं भी बिल्कुल बारबी बन के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जिम वगैरह जा रही हूँ, डाइटिंग वगैरह कर रही हूँ. तो डाइटिंग मैंने प्रॉपर डाइटिंग भी मैं नहीं कर रही हूँ. अभी टाइम हो रहा है 11:30 और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है. तो आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है बिल्कुल बारबी स्टाइल में. तो मैं क्योंकि सुबह में ओट्स खा रही हूँ, यू नो बारबी थीम बिल्कुल पिंक होता है, सब कुछ पिंक, अब ड्रेस, मेकअप, सब कुछ पिंक होने वाला है. सो मैंने भी पिंक मेकअप करा है, पिंक फ्रॉक पहना है. सो फूड भी पिंक होने वाला है, लेकिन प्रॉपर पिंक नहीं होगा. बारबी को जो पसंद है, सो ये बारबी को पसंद है ओट्स और मैं ओट्स खाने वाली हूँ. दिस इज ओट्स. और सो पता है अभी का जो सीजन है, इसमें स्ट्रॉबेरीज कहीं नहीं मिल रहा था. और मैंने बहुत सारे दुकान में ट्राई मारा कि स्ट्रॉबेरी मिल जाए, लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं मिल रहा था. और आज मैं खाने वाली हूँ, सो दिस इज स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक. ओके, और सो ओरियो जो कि इसके अंदर पिंक है, ये आई थिंक इसके अंदर जो है वो पिंक होने वाला है. जी हाँ, दिस इज पिंक. माय गॉड, सबसे पहले मैं यही खाती हूँ, ठीक है? वैसे ये सब तो मैं नहीं खा रही थी और पिछले 1 महीने से, बट चलो खाकर देखते हैं. स्ट्रॉबेरी जैम है, ठीक है. वैसे ये सब मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आता. ओट्स, पिंक फूड. अगर बारबी चैलेंज करे तो पिंक, सब जगह थीम पिंक है. पिंक खाना पड़ेगा. पिंक ढूंढने में बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. आपको पिंक भी ज्यादा क्या मिल सकता है? स्ट्रॉबेरी मिल सकता है या तो फिर बीटरूट मिल सकता है. सबसे बेस्ट है बीटरूट. और स्ट्रॉबेरी का तो अभी कोई सीजन है भी नहीं कि स्ट्रॉबेरी लेकर आए और खाओ. सो सुबह उठकर मैंने सब कुछ काम कर लिया. मैं जिम गई, ज्यादा मेहनत नहीं करा जिम में. मुझे पता है ज्यादा मेहनत कर लूंगी घर में जाकर फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. सो दिस इज स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक. स्ट्रॉबेरीज ना, स्ट्रॉबेरीज डायरेक्ट खाने में अच्छा लगता है, मिल्क शेक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. बट ठीक है, क्योंकि मैं बारबी चैलेंज कर रही हूँ तो खाना तो पड़ेगा ही. नॉट बैड. ऑल राइट गाइज, सो अभी लंच टाइम है और घड़ी में आई थिंक 2:30 बजने वाला है. भूख वैसे ज्यादा जोर से लगा नहीं, हल्का फुल्का ही भूख है. तो लंच के लिए मैंने बनाया है ये पिंक रोटी जो कि बीटरूट से बना है और मिक्स वेज है और साथ में बीटरूट है. तो अभी फिलहाल अगर कोई भी फूड को पिंक बनाना है तो बीटरूट ही सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो सारा फूड को पिंक बना रहा है. और फिर मैं लीची जूस ली हूँ, ये है लीची जूस और जो कि ये पिंक है. वैसे बहुत सारे ऐसे लीची आता है जो कि व्हाइट में आता है, बट ये पिंक में है, अच्छा है. सो इसको पी के देखेंगे कैसा है. इसमें आई थिंक बर्फ तुम क्या रही है. ओके, सो मैंने इसको बनाया कैसे, ये सब्जी को इसमें हल्का सा बटर देके मैंने सॉटे किया है. गाजर है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बीन्स बोलते हैं, फ्रेंच नहीं, इसमें बीन्स है, चुकंदर है यानी कि बीटरूट, और साथ में मैंने पनीर भी डाला है जो कि सबको मिक्स करके, गाजर भी डाला है थोड़ा सा, इसको सौते किया है. और रोटी को मैंने चुकंदर के साथ मिक्स करके बनाया है. पहली बार मैं खा रही हूँ उसको. सो हेल्दी फूड है, लोग खाकर देखते कैसा लग रहा है. ठीक है, तो लंच के लिए आई थिंक
ये मुझे अगर ये अच्छा लगा ना तो मैं इसको रोज ट्राई करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हटा देती हूँ। तो मैंने ना जब मैं सब्जी को सौते कर रही थी ना तो मिर्ची डालना मैं भूल गई, और क्योंकि चुकंदर इतना मीठा होता है ना, बहुत ज्यादा मीठा होता है, इसमें कितना भी नमक डाल दो मिर्ची डाल दो ये बिल्कुल मीठा लगता है, तो मैंने उसको ऊपर से मिर्ची डाला है। तो मिर्ची मैंने बहुत सारा काट काट के डाला है, और पनीर मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो फर्स्ट बाइट, अच्छा लग रहा है। इसको ना विदाउट रोटी भी खा सकते हैं अगर खाना चाहे तो। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा। मैंने जो मिर्ची डाला ना ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा जो स्वाद है बीटरूट का तो हट गया है। रोटी में कोई फर्क नहीं कि हाँ मैंने इसमें बीटरूट मिलाया, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल रोटी जैसा लग रहा है। मैंने उसको तवा में सेका और आग में भी सेका, जैसे नॉर्मल रोटी बनता है सेम। मेन जो इसमें सब्जी है ना, इसमें बटर का स्वाद ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर बटर के अलावा में कोई और ऑयल से बनाते ना तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। और रोटी में मैंने जब मैंने रोटी बनाया ना, उसमें चुकंदर के साथ मैंने थोड़ा सा काला नमक भी डाला था ताकि टेस्ट अच्छा आए। तो अच्छा आया टेस्ट। अगर मैं सब्जी में अगर पनीर नहीं डालती ना तो बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं होता। पनीर के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, और बीच ही ट्राई करते हैं। ऑलराइट गाइस, मेरा लंच कंप्लीट हो गया है। मैंने एक रोटी खा लिया, पूरा सब्जी खत्म कर लिया अब। सो अभी लीची पीने का समय है, चलो लीची पीकर देखते कैसा लग रहा है इसका टेस्ट। कौन सा कंपनी है, पोको लोको लीची, इसका नाम ही बहुत अजीब है। पीकर बताते हैं। अरे सच में इसके अंदर आई थिंक बर्फ जम गया है। हाँ बर्फ है इसके अंदर। सो गाइस, बाहर इतना बारिश हो रहा है ना, आई थिंक डेढ़ घंटा से बारिश हो रहा कंटिन्यू, और मेरे को लगता कि न्यूज में भी आया था कि दो तीन दिन बारिश होगा कंटिन्यूसली, लाइन बार बार आ रहा जा रहा है। सो लीची पीने का वक्त आ गया है, फटाफट लीची मिलते, लीची पीने का मोहरत ही नहीं निकल रही है, कब इसको पिए। सो अब मैं इसको पी के दिन बताती हूँ कैसा लग रहा है। इसमें ना बर्फ जम गया है थोड़ा थोड़ा, तो वो दिख रहा है वैसे। ये बर्फ नहीं है, ये सच्ची में लीची डाल दिया क्या इसके अंदर। जेली जेली टाइप है, जल है रे। नहीं गाइस, बहुत सारा जानकारी इकट्ठा करने के बाद पता चला कि इसके अंदर ना लीची नहीं है, इसके अंदर कोकोनट है। देखो यहाँ पे कोकोनट का फोटो दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ लीची जूस ड्रिंक विथ नाटा दे कोको, इस टाइप का नाम है। सो अच्छा लग रहा है। वही मुझे कि लीची कैसे हो सकता है इसके अंदर, बट लीची नहीं है, इसके अंदर कोकोनट है जो कि बहुत ज्यादा चुई चुई लग रहा है, मीन च्युइंगम टाइप लग रहा है, इसको चबा चबा के खाने में अच्छा लग रहा है। तो गाइज, अभी रात का 8 बज गया, मेरे को बहुत जोर से भूख लग गया, मेरे को शाम को ही भूख लग गया था 7 बजे। फिर हम सोचे थे कि रात में डिनर में क्या बनाए, तो डिनर के लिए बहुत कुछ सोच के रखे थे कि ये बनाए या वो बनाए। तो हम बनाए हैं सैंडविच, जो कि मैंने जो दोपहर में जो सब्जी बनाया था उसी को मिक्स करा है, लेकिन थोड़ा सा और उसमें ये डाला, पनीर डाला है, और सो ब्राउन ब्रेड में बनाया है। ये प्रॉपर पिंक तो नहीं है, बट हाँ पिंक आपको थोड़ा बहुत दिखेगा इसके अंदर। मैंने इसको ना हल्का हल्का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सो ये है, तो मैंने ना इसको हल्का हल्का बटर के साथ, हल्का हल्का मैंने, ज्यादा बटर मैंने नहीं दिया है, तो नॉन स्टिक पैन में ही मैंने इसको बनाया है। और टेस्ट करके मैं बताती हूँ कैसा लग रहा है। सो ज्यादातर गिर ही जा रहा है, मैं खाकर बताती हूँ। ओके, okay.
ठीक ही है, प्रॉपर तो इतना अच्छा नहीं बना बट ठीक है, एवरेज है मेरे लिए, ठीक है क्योंकि मैंने इसमें सब्जी डाला वही सब। और ये जो ब्रेड है ये होल ग्रेन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड। सो क्योंकि ये बार्बी अभी डाइट पे है तो ये सब खा रही है, और मैंने एक्चुअली बहुत कुछ सोच रखा था बट भूख जो है ना बहुत ज्यादा मेरे को भूख लग गया था, सो मैं इसको ब्रेड खा के मैं इसको फटाफट खा के खत्म कर लेती हूँ। सो गाइस ये सैंडविच एवरेज से एवरेज है बट बहुत अच्छा है, टेस्टी खाने के लिए। अगर हेल्दी खाना चाहेंगे तो ऐसा आप खा सकते हैं बनाकर। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिसे बार्बी बहुत ज्यादा पसंद है और हर लड़की बार्बी है। सो वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।